देख के लग रहा होगा एक डांस स्टूडियो है, एक्चुअली ये डांस का ही रूम है, बट हम लोग अभी प्रेजेंट है के बाग डीजीपी नगर स्कूल में। यहाँ पे बच्चों को मैं डांस सिखाऊंगा। मेरा बैकग्राउंड रहा है डांस में 15 इयर्स का, तो आज सारा नॉलेज सारा एक्सपीरियंस मैं बच्चों को सिखाने में यूज कर दूंगा। तो वेलकम टू नाशिकचा बाबू मोशे चैनल, ये वीडियो में यही से स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग पहुंच गए हैं केके वाग यूनिवर्सल स्कूल जो है डीजीपी नगर में स्थापित। यहाँ पे मुझे रोहन भालेराव सर और विकी सर, इन्होंने मुझे यहाँ पे डांस सिखाने के लिए कहा केके वाग यूनिवर्सल स्कूल में कैसे होता है प्रैक्टिस का फर्स्ट डे और आगे के भी प्रैक्टिसेस। चलो हुआ ये था, मेरा फ्रेंड जो है विकी, उसने कॉल किया और उसने कहा कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप कर पाओगे क्या। मैं भी नाइट शिफ्ट थी तो सोचा यही मौका है स्कूल में डांस सिखाने का। डांस करना और सिखाना टोटल डिफरेंट है। जब आप डांस करते हो आप सीखते तो हो, बट जब आप सिखाते हो तो उसमें आपका अलग ही लेवल का मतलब एनर्जी और आपका जो टैलेंट है वो यूज करना पड़ता है, नॉलेज है जो इतने सालों से आप डांस कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आती है। तो मुझे ऐसा मौका मुझे छोड़ना नहीं था। है थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट फिर जो मजा आता है स्कूल लाइफ में रिटर्न आ जाते हैं, ये जो बच्चों के साथ डांस करना, इनके साथ ये जो स्कूल लाइफ वो स्पेंड करने को मिलता है। तो ये चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि मैं 2016 के बाद आज जाके ये डांस के इसमें रिटर्न आया हूँ। तो लेट्स सी कैसा होता है। आज हम लोग है ना डांस करने वाले, ठीक है? तो आप लोग डांस के लिए रेडी हो? ओके, तो चलो पोजीशन पे आते हैं। तो मुझे ग्रेड 4 सन का क्लास मिला है, इनको हम लोग साउथ इंडियन थीम पे डांस करेंगे। तो दो डांस हमने मर्ज किया है, तो रेडी हम लोग साउथ इंडियन सॉन्ग पे डांस करने वाले। ओके चलो, ये जो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है, ठीक है? सेकंड ग्रुप पहले ये वाला स्टेप करेगा, रोल करके साइड आएगा, करें 5 6 7 गो, रोल साइड। ये है थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप का स्टेप रहेगा 1 2 3 4, करें 5 6 7 गो, 1 2 3 4, नाइस। एक और बार करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, ठीक है? तो आप है थर्ड ग्रुप, आपका स्टेप रहेगा 1 2 3 4, राइट? करें 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर? आपका रोल साइड, आपका वेव डाउन अप और आपका क्रॉस आउट अप अप, और लास्ट में वो जो म्यूजिक आता है उसमें शेक करना है फ्रंट में, आपको राइट साइड में, आपको लेफ्ट साइड में, करे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? म्यूजिक पे करे, ओके। आपने हल्का सा प्रैक्टिस देखा, वन डे, ओनली वन डे लगा मुझे सिखाने को, क्योंकि स्टूडेंट्स है ही इतने टैलेंटेड, मुझे ज्यादा परेशानी हुई नहीं। सो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और शो के दिन हम लोग डबल एनर्जी के साथ डांस करेंगे, ठीक है? सो आज हम लोग डांस करेंगे, मैं आप लोगों को डांस सिखाऊंगा। तो आप लोगों को 29 को ये डांस परफॉर्म करना है, तो आप लोग रेडी हो? चलो, थर्ड स्टैंडर्ड है, थोड़ा टफ है, सुना है छोटे बच्चे, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, छोटे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उनका थोड़ा कम रहता, बट अगर अंडरस्टैंडिंग रहा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका सॉन्ग है रिंकू शमाल और बुमराह, ऋतिक रोशन का डांस लिया है, तो लेट्स सी कैसे होता है, थोड़ा सा टफ है।
ट्राई करते हैं। आया हूं मैं प्यार का नगमा सुनाने, तो आप लोग रोल करोगे आया हूं मैं प्यार का, फिर राउंड प्यार का ये नगमा सुनाने, ठीक है। सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, ठीक है, फिर सबके दिलों से नफरत को मिटाने, ठीक है, इतना करे। ठीक है, ये वाली जो ग्रुप है आप लोगों का स्टेप है, यस, मेरे इधर ध्यान दो, मेरे इशारे पे नाचा तो विंटर पे ट्रेंड हो गया और राउंड क्लियर आएगा। एक और बार करे, 5, 3, 7, 2, मेरे इशारे पे नाचा तो विंटर पे ट्रेंड हो गया, ओके। ये वाला ग्रुप मुझे मिला है 8 स्टैंडर्ड, जिनका वेलकम सॉन्ग है। वेलकम सॉन्ग में हम लोग गणपति का डांस कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 8 स्टैंडर्ड मतलब बड़े बच्चे कर तो लेंगे, बट लेट्स सी सुनते हैं क्या नहीं। हम लोग गणपति ह्यूमन गणपति बनाने वाले, ह्यूमन गणपति ये वेलकम सॉन्ग में रहेगा, तो थोड़ा सा मतलब है फॉर्मेशन वगैरह है, सोंड आँखें वगैरह बनाएंगे, तो देखते हैं कैसा होता है। प्रिपरेशन तो करके आया, मजेदार होगा, बने रहिए वीडियो में। तो अभी हम लोग ह्यूमन गणपति बनाएंगे, सब पूरे क्लास के बच्चे अभी हैं नहीं, पर जितने हैं उससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ह्यूमन गणपति में हम लोग बनाएंगे, गर्ल जो है जाके साइज रहेंगे और नीचे को हमेशा रहेगा, तो आप लोगों को ध्यान से रखना है। और आपके साथ एक पार्टनर होगा, वो आप लोग खड़े रहेंगे आपकी बात करोगे, फिर काउंट रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह हमारा गणपति रहेगा, साइड में हाई नीचे फॉर्मेशन और साइड में डांसर फ्लावर को राउंड करके फिर फ्लावर, ठीक है, होगा आप लोगों से। के लिए सिलेक्ट किया गया, तो 8th और 9th के गर्ल्स हमने मिक्स किया है। लता मंगेशकर ट्रिब्यूट देंगे, जहाँ पे लता मंगेशकर के सॉन्ग्स पे थोड़ा सा एक वॉइस ओवर से एक स्टोरी जो है लता मंगेशकर जी के लाइफ के ऊपर से दिखाया जाएगा। तो ये गर्ल्स 9th और 8th स्टैंडर्ड की है, मैंने सुना है कि सबसे शैतान है, तो चलो देखते हैं इनको सिखाना है लता मंगेशकर राइट। थोड़ा गर्ल्स वाले स्टेप है, मानसी ने आपको सिखाया था राइट, हम लोग थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे और पूरा अच्छे से इनका रिहर्सल्स लेंगे, तो चलो देखते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, स्लिप हुआ है और स्लिप होने की वजह से थोड़ा पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे हो जाता है हम लोग वापस आते हैं। आज की गोदी के कारण बच्चे हुए हैं।
ऑनलाइन लेक्चर करना चाहिए, तो ऑनलाइन का परमिशन बहुत अच्छा दिखेगा। काफ़ी अच्छा अब तक का हो चुका है, जैसे कि कहा गया था शैतान बैच है, इतनी परेशानी नहीं हुई। हमारी क्लास टीचर जो है, इन्होंने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी अच्छे से मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होने दिया, और इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट किया, और ज़्यादा परेशानी होने दी। लेट्स सी स्टेज पे क्या करते हैं, सब कुछ अभी स्टेज पे है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है 80% करना है, 100% स्टेज पे विथ कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है, थोड़ा स्टेज का स्टेज का थोड़ा प्रेशर रहता है, वो आप लोगों को वो ओवरकम करना है। तो फैसला, तो गाइज एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 2016 में हमने पैट्रिक स्कूल कवर किया था, तो हमारा जो पूरा ग्रुप था वहाँ पे डांस सिखाए थे, तो वो डांस सिखा के हम लोग चले गए, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। वो स्टूडेंट आज कॉलेज में रहेंगे, कोई कुछ कर रहा रहेगा अपना अपना सेटलमेंट। पर मुझे जब यहाँ पे मैं केकेबाग में जब आया ना, कोरियोग्राफर्स के लिस्ट में मैंने एक नाम देखा, और उस स्टूडेंट को जब सामने देखा तो मैं शॉक था। ये वही स्टूडेंट है जिसको हमने सिखाया, और आज वो हमारे साथ टीम में सिखा रही है, उसका नाम है ईशा। तो ईशा, सबको हेलो बोलो। हेलो गाइस। तो बताओ जरा एक्सपीरियंस, हम लोगों ने क्या किया था 2016 में, और आज का एक्सपीरियंस जब आप हमारे साथ सिखा रहे हो। एक्चुअली मैं 2016 में सर आए थे हमें सिखाने के लिए स्कूल में, तो मैं पैट्रिक स्कूल में थी, तो तब भी हम कंफर्टेबल थे, और आज भी हम कंफर्टेबल हैं सर के साथ सिखाने के लिए। थैंक यू। थोड़ी सी नर्वस लग रही है, पर कोई इश्यू नहीं, होता है, मुझे भी नर्वसनेस होता था, तो ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हम जो सिखा रहे। थैंक यू ईशा, आपने जो मतलब सारा कॉलेज का स्टडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप डांस सिखा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, डांस का यही मज़ेदार सीन है, मज़ेदार किस्सा है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ऐसे चीज़ें हो जाती है और माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था बच्चों ने जिस तरह बजाया, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसे बजा पाऊंगा। गाइस, स्टेज पे फाड़ना है, ठीक है? ओके, आपका नाम? दक्ष। आप? आरव। आप? दक्ष। गाइस, दो दक्ष, कमाल का है, सीरियसली ये एज में इस तरह जो बजा रहे हो, मजा आ गया। मैं सिर्फ डांस ही देख रहा था, ये भी देख लिया। चलो स्टेज पे हम लोग फाड़ेंगे, ओके? यस। चलो डांस टीचर है जिन्होंने हमें हेल्प किया, पूनम मैम, आज उनसे हम बात करते, वही है जो जैसे मैं आया यहाँ पे कंफर्टेबली मुझे यहाँ पे सब अरेंजमेंट उन्होंने करके दिया, और यहाँ पे बच्चों को उन्होंने डांस भी सिखाया, और जो कोरियोग्राफर से उनको भी हेल्प किया। तो पूनम मैम थोड़ा हमारे फ्रेंड्स को बताएंगे कि ये एग्जैक्ट गैदरिंग का कैसा होता है प्रोग्राम, और डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन। मेरा हर साल गैदरिंग होता है, कोविड की वजह से 2 साल से हमारा गैदरिंग नहीं हुआ है, तो अभी कोविड के बाद 2 साल के बाद ये अभी फर्स्ट टाइम हमारा गैदरिंग हो रहा है। तो काफ़ी टीचर्स मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 29 को हमारा गायकवाड़ सभागृह में शो है हमारा, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है, कोरियोग्राफर्स भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों से, तो आप ज़रूर देखिए 29 को गायकवाड़। ये थे पूनम मैम, तो चलो देखते हैं बाकी के रिहर्सल्स कैसे चल।
प्रॉब्लम मतलब उसको ज़्यादा खींचेगा, फिजिक्स सेकेंड मिनट में उन्होंने सॉल्व कर दिया। और हर एक क्लास टीचर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ली है और प्रैक्टिसेस करवा ली है। लोग जो स्टेप सीखा है, गाना, कोऑर्डिनेशन, स्टेज और स्टेज प्रेजेंस, फिर कौन से जगह से कहाँ पे ट्रैवल करना है, टीचर्स लोगों ने अच्छे से वो बच्चों से प्रैक्टिस करवा दी है, जिसकी वजह से आधा काम ईजी हो गया। पर स्टेज में प्रेशर रहता, छोटे बच्चे बड़े बच्चों को समझ सकते हैं, स्टेज पे जाके टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, ऑडियंस देखते हैं, कॉस्ट्यूम देते हैं, लाइट्स देते हैं, और थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ा सा नहीं आ ही जाता है नर्वसनेस हम पीछे परफॉर्म करते हैं, तो शुरुआत में नर्वसनेस होती थी, पर एक बार अगर आप सेटल हो और आप आपके डांस को आप इन्जॉय करते हो तो कुछ नहीं लगता है, आप वहाँ पर जाके खुले दिल से इन्जॉय कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डांस को इन्जॉय करो तो पब्लिक इन्जॉय करो, और अगर पब्लिक इन्जॉय करो तो आप भी इन्जॉय करोगे। तो ओवरऑल के बाद का एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम गोल्डन मोमेंट्स, यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें मैंने स्पेंड किया है। तो लेट्स सी, रिहर्सल्स हो गए, सब कुछ हो गया है, और कुछ बच्चे हैं मैं दिखाता हूँ जिसने मुझे हेल्प किया है। ये है, तो ये है वो बंदा, ये हो वो स्टूडेंट वरद, जिसने मेरी थ्रू आउट दी टाइम वीडियोज़ निकालने में हेल्प की, इवन डांस में भी, और डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो इसे देख के आप लोगों को भी मतलब एक इंस्पिरेशन आना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू वरद मेरी हेल्प करने के लिए। के बाद स्कूल के इंचार्ज से आज बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में, मैम मोनाली मैम हमें आज बताएगी। मोनाली मैम, हेलो एवरीवन। आफ्टर 3 इयर्स नाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, सो दे हैव लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी एंड द पैशन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सो थैंक यू ऑल द कोरियोग्राफर्स एंड आर डांस टीचर पूनम टीचर एंड ऑल द क्लास टीचर्स, दे हैव टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस प्रोग्राम, सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म नाइसली ऑन द स्टेज। थैंक यू मोनाली मैम। मैं फर्स्ट ईयर स्कूल मैंने फेस किया है जहाँ पे एक भी इशू आया नहीं, ना कोई प्रेशर आया, अथॉरिटी दे के रखी थी, स्मूथली स्टूडेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, टीचर्स क्लास टीचर्स ने हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने ली, और हमारे मेन जो मैम है इन्होंने तो कभी कुछ डांटा ही नहीं। तो बेस्ट स्कूल मैं कहूँगा जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू मोनाली मैम। तो अभी हम लोग एडवाइसर जो है दीक्षित सर, उनसे मिलेंगे। सर कैसा लगा ये परफॉर्मेंस देख के, ये जो बच्चों ने कितने दिनों से प्रैक्टिस की, तो आपको कैसा लग रहा है कल परफॉर्मेंस देख के? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नाउ जस्ट आई हैव सीन मेनी प्रोग्राम्स परफॉर्म बाय चिल्ड्रन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय सिंसियर थैंक्स टू मिस्टर तापस विश्वास कोरियोग्राफर, हु हैव गिवन द प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल द चिल्ड्रन, and besides it, all my staff members, particularly those who are behind the screen, and they are just doing their best, giving 100% devotion in preparing the children, and no doubt, last and not least, our beloved children who is performing on the stage, no doubt about them, the program will go into pain. So that's why whatever the children have performed here, I think when they will all be in the dress and in costume with proper music and backgrounds, so tomorrow I give my all the best and all the best wishes to all the teams, including Mr. Choreographer Kapoor, to do his best, and also to the children all the best wishes for their best performance, whatever they have done earlier. Thank you very much. थैंक यू दीक्षित सर, आपने जो टाइम दिया, तो होप कल का दिन बेस्ट हो। लेट्स सी स्टेज पे कल क्या होता है, मिलते हैं कल गायकवाड़ हॉल में।